नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का जो भय फैला हुआ है, उस भय को समझना जरूरी है। जब तक आप कोरोना को नहीं समझोगे, भय को नहीं समझोगे, भय से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो भय से मुक्त होने के लिए सबसे पहले आपको कोरोना को समझना, उसके होने वाले साइड इफेक्ट को समझना या उससे कैसे लड़ा जाता है उसको समझना जरूरी है। दुनिया भर में सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इस बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ी होगी, देखी होगी, समझी होगी, पर उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ चीजें असत्य मालूम पड़ने से बहुत डर फैल जाता है। इसी डर को भगाने के लिए आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने बॉम्बे के एक जाने माने ईएनटी सर्जन, इनका साउथ मुंबई में कोलाबा और चेंज पोकली में अपना खुद का क्लिनिक है, पेशे से वो ईएनटी सर्जन है और दिन रात मरीजों की सेवा करने में लगे रहते हैं। आज उन्हीं डॉक्टर से बात करके ये जानेंगे कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और किस किस परिणाम, किसे किसे उसके सिम्टम्स है, उसे हम जानेंगे। दोस्तों, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अक्सर मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि भगवान का दूसरा नाम ही डॉक्टर है, और ऐसा ही भगवान मेरा दोस्त है जो आज खुद मेरे सामने बैठा है, डॉक्टर जयेश राणावत। नमस्ते, मैं डॉक्टर जयेश राणावत। फिलहाल मैं मास्क पहन के बैठा हूँ, पर ये अभी इंटरव्यू के लिए मुझे खोलना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर जयेश राणावत, आपका यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा और तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कोरोना को COVID-19 क्यों कहते हैं। अगर आप उसके इतिहास में जाओगे तो कोरोना वायरस डिजीज, ये उसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है, और 19 इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये 2019 में जो पाया गया स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा विरुलेंट है, और उसको जब आइडेंटिफाई किया गया तो बिकॉज ऑफ द ईयर उसको नाम 19 दिया गया। और इसी तरह आप ये मत समझो कि ये एंड है, शायद 2030 का भी कोई वायरस आएगा, शायद 2040 का भी कोई वायरस आ सकता है, इसमें आ सकता है भी आने की संभावना। इसके लिए हमको वायरसेस के लिए अब और आगे का जनरेशन, उनको सबको सतर्क और तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, तो सारे लोग ये जानना चाहते हैं कोरोना के बारे में, हालांकि काफी सोशल मीडिया में काफी लोगों ने पढ़ा है, जाना है कोरोना के बारे में, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दिमाग में, जहन में आता है कि वाकई में कोरोना वायरस है क्या, इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि कोरोना वायरस एक्चुअली में क्या है, ये क्या करता है, कैसे काम करता है। ये एक वायरल फैमिली से बिलोंग करता है, और यदि आपने हमारे जो ओल्ड लाइफ बॉय के बिटिया टिकिया भी देखी हो तो 1962 में भी जो बना हुआ टिकिया है उसके ऊपर अगर आप लेबल देखोगे तो एक लिखा हुआ है कोरोना, फाइट्स अगेंस्ट कोरोना वायरस, उसको लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, तो साबुन इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीडोट, या उसको बोल सकते हैं हम प्रतिकार के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, साबुन हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, इसीलिए सैनिटाइजर का हम फिलहाल यूज करें, बिकॉज दैट्स अ शॉर्टकट, सेफेस्ट अभी भी साबुन का, साबुन सबसे, अगर आपके पास में सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से भी उसे हाथ साफ करके आप कोरोना वायरस से अपने आप को, जैसे ह्यूमन प्रजाति है, जो हमारी प्रजाति है, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वायरसेस भी एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो अपने आप को जिंदा रखेगी और प्रबल और खतरनाक बनाते जाएगी, बन सकती है। तो वो उनका काम है, हमारा काम है उनसे बचना। okay. अब वो बचने की जो होड़ है वो अब चल रही है फिलहाल। अच्छा डॉक्टर जयेश, एक और बात काफी लोगों में कंफ्यूजन चल रही है, जो मैंने अक्सर लोगों से सुना भी है, काफी लोग इस बात से भी परेशान है, और दर्शक भी तमाम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। अब अगर फर्स्ट जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो आया था वो था 8 जनवरी का, तो ये वायरस का पहले कहा गया कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, फिर समझ में आया कि हवा में बहुत जोर से छींकता है, कोई कहीं पे जाके गिरता है और उसी से हो रहा है, तो हम सब लग गए सफाई करने पे। पर अब एरोसोलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, यानी मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूँ, बिकॉज हम जहाँ पे काम करते हैं हमको भी ये रियलाइज हुआ है कि अगर कॉन्टैक्ट ही होता तो इतनी सफाई हो रही तो स्प्रेड ही हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इट इज इन द एयर ऑल्सो। अब वो आपके लक के ऊपर है कि आपके अंदर वायरल लोड कितना अंदर गया, वो एक चीज अब हमको समझना है कि हम हमारा वायरल लोड कितना कम कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उसी के ऊपर हमारा टोटल फोकस अब आगे चलेगा।
जैसे कि मैंने देखा है अक्सर काफी लोग ये समझते हैं कि मेरे आसपास कोई है नहीं है और हम अकेले ही रास्ते पे चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसी लोगों की टेंडेंसी। उन्हें लगता है कि हवा से तो वायरस कभी भी आ ही नहीं सकता। तो ये आपके कहने का मतलब है, हो सकता है आप अकेले भी चल रहे हो, अकेले वॉकिंग भी कर रहे हो, तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी, आप ऐसा कह रहे हैं। अब इस बात पे WHO के गाइडलाइंस, बाद में जो अपकमिंग हर टाइम नए नए गाइडलाइंस बनते जा रहे हैं, तो काफी जगह पे मास्क वॉज बीइंग यूज्ड, मतलब उसको जो मरीज या जो पॉजिटिव कॉन्टेक्ट है या जो बीमार इससे ग्रस्त है, हम एज डॉक्टर्स पहले उनको बोल रहे थे कि आप पहनो ताकि आप दूसरों को स्प्रेड ना करें, बट आप कौन सी हवा में जा रहे हो, ना मैं आपको कोई गारंटी दे सकता हूँ, ना आपको मालूम है कि आपके पहले वहां 5 मिनट के पहले कौन आने गया वहां पे। तो आपकी सेफ्टी के लिए मास्क अगले 1 साल तक तो मेरे हिसाब से आपको रखना ही है। आप कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, कॉन्टेक्ट कोई भी कॉमन एरिया में जाओ, अपनी सेफ्टी के लिए पहनो, दूसरों के लिए नहीं। जो लोग भी अब तक ये समझते थे कि मास्क पहनना इतना जरूरी नहीं है जब आप अकेले हो या जब आप अकेले वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी सूचना डॉक्टर जयेश ने दी है कि आपको हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हो आपको मास्क पहनना ही चाहिए। ओके, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे काफ़ी लोग इसमें जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई पर्टिकुलर डाइट है जिससे कि आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हो, जिससे कि ये वायरस आप में एंटर ही नहीं करे और आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो कि वो फाइट करके बाहर ही बाहर निकल जाए, आपको पता भी नहीं चला, ऐसी कोई डाइट? देखिए, डाइट तो हम लोग कहीं ना कहीं एज इंडियंस कर ही रहे, इसके लिए हमारा इन्फेक्शन रेट औरों की तुलना बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड फिगर्स। बट दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा टेस्टिंग भी कम है, तो वी कैनॉट से कि कितने पॉजिटिव है और जो मिस हुए पॉजिटिव वो हम बता नहीं सकते। बट जो बीमार होगा वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हॉस्पिटल तो पहुंचेगा, या वो ठीक होगा या मरेगा, तो मरने का आंकड़ा तो हम झुटला नहीं सकते। और जो ठीक होने वाले आंकड़ा है वो कितने लोग बगैर टेस्ट किए भी ठीक हुए और उनको मालूम भी नहीं, तो ये चीज का हमको डिफ्रेंशिएशन रखना ही होगा। रहा डाइट का सवाल, जो आप रेगुलर अपने अभी तक करते आए हो वो सब रखो, साथ में अगर विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हो, विटामिन सी ले सकते हो, विच इज अ WHO गाइडलाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसी बात पे आने वाला डॉक्टर जयेश, और उसमें और मैं ऐड करूंगा, जैसे हमारा नेचुरोपैथी या जो हमारा आयुर्वेदिक का जो साइंस है, इट इज अ प्रूवन साइंस, उसमें यूज ऑफ लॉट ऑफ हर्ब्स लाइक सूट, इवन हल्दी, दूध का प्रयोग, ये बहुत बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। जिस भी चीज से आपके अंदर के ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो और जिससे फ्लो आउट हो जाए, तो अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स का भी लोड एज वेल एज इंफ्लेमेटरी लोड जो रिड्यूस करे, वो सब चीज आपको सहायक है, सारी चीज सहायक है। तो उसमें बहुत कुछ है और आपको बहुत चीजें मिलेगी, और सोशल मीडिया नेट ये अच्छा है, तो लोग एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि एवरीथिंग इज कोरिलेटेड या कोलैबोरेटेड। सही, तो वो चीज के ऊपर कहीं एज अ डॉक्टर मैं भी बोलने में थोड़ा अपने आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, पर एक बात मैं आपको डॉक्टर जयेश के माध्यम से मैं बता दूं कि जो लोग भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा डाइट और हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें खानी बंद कर दी है, भूखे रहते हैं फिट रहने के लिए, उनसे मेरा निवेदन है खास तौर पे कि डाइट को बंद कर लीजिए जब तक कि कोरोना वायरस का डर चारों ओर फैला हुआ। आप जो नॉर्मल फूड खाते हैं वो सारा फूड खाए और इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखें, बराबर? बिल्कुल। और हो सके तो थोड़ा सा आयुर्वेद की और भी आप थोड़ा रुझान करें, आयुर्वेद में काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं डॉक्टर जयेश आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इन दिनों लॉकडाउन के दिनों में क्या वर्कआउट जरूरी है? वर्कआउट जैसे कि मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग की बात कर रहा हूँ। काफी सारे लोग इस वक्त जो नहीं भी करते थे वॉकिंग जॉगिंग, वो भी उन्होंने भी अभी शुरू की है, तो क्या ये अच्छा है हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए? अब बेसिकली क्या, गवर्नमेंट गाइडलाइंस इसके बारे में क्लियर नहीं है। ओके, एक और गवर्नमेंट कहती है कि आप घर पे रहो, दूसरी ओर कोई नीचे उतरता है तो डंडे पड़ते हैं। तो इस चीज के बारे में एज अ डॉक्टर, अगर मुझे एज अ डॉक्टर आप पूछोगे तो डेफिनेटली एक्सरसाइज इन दिस पीरियड, लाइट एक्सरसाइज रखो बोले, जिससे थोड़ा बहुत पसीना आए, थोड़ा आपका इंप्रूवमेंट हो जाए सर्कुलेशन, इंप्रूवमेंट इन ब्रीदिंग, दैट शुड बी सफिशिएंट। उसमें आप डिस्टेंसिंग रखें, मैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मानता ही नहीं हूँ, इट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल इंटीमेसी विच वी हैव डेवलप्ड इन दिस कोरोना एरा। ये 2 महीने में मेरे सोशल इंटीमेसी बढ़ी है,
भले मैं वीडियो कॉल पे हूँ या कहीं पे भी हूँ, जिन जिन से मैंने शायद साल भर बात नहीं की है, मैं उनसे सोशली इंटीमेट हुआ, फिजिकली डिस्टेंस रख रहा हूँ। तो ये वर्ड जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मेरी सोच के परे। रोता जी ऐसा कह रहा है कि जिन लोगों से आप बहुत ही मिलने के उत्सुक होते हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्यादा बात कीजिए, ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा। एक और सवाल जो आज की तारीख में काफी लोग ये पूछते हैं और ये काफी लोग जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन फूड, कुछ जो एप्स है जिनके द्वारा आप ऑनलाइन फूड को ऑर्डर कर सकते हो, क्या ये फूड ऑर्डर करना सही है, खाना सही है इन दिनों में, कि आपको घर का ही देसी खाना जो घर पे खा रहे हो वही सही? देखिए 100% सेफ अगर कोई बोलेगा तो वो है घर का फूड, बस हर चीज आपके कंट्रोल में, बाहर से आने वाली कोई भी चीज उस पर पूरा नियंत्रण हम रख नहीं सकते। अब स्टैंडर्ड ऑफ एक स्टैंडर्ड नॉर्म अब तक इंडिया में आया नहीं है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इवेंचुअली वो आना ही है, एंड दैट विल बी यूवी चेंबर्स, जिसमें से आप कोई भी पार्सल या बैग आया बाहर से उसके थ्रू पास करो, उसका एक पीरियड में एक्सपोजर होगा, दैट विल किल ऑलमोस्ट ऑल द सरफेस वायरसेस। और यूजुअली हमारा जो इंडियन फूड है इट इज यूजुअली कुक्ड वेल, इट इज गॉन टू दिस बॉइलिंग पॉइंट, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस यूजुअली डाई। तो अब जिसके घर में कोई है ही नहीं ऑप्शन खाने का, तो वो भूखा तो नहीं मर सकता, सही बात है, उनके उसको तो लेना ही है, उसको तो लेना ही है बाहर से खाना, पर जिसके पास ऑप्शन घर का है वो ट्राई करेगा वो घर पे ही खाए, घर का ही फूड खाए बेटर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर जयेश ने कही है। साथ ही एक और प्रश्न काफी लोगों ने पूछा है जो इस वक्त मेरे पास में है कि कोरोना के सिम्टम्स जो आते हैं तो उसको कितने प्रकार के उसके टेस्ट किए जाते हैं, कई बार कहते हैं कि 2 टेस्ट है, 3 टेस्ट है, 1 टेस्ट है, बाकी में इसके कितने टेस्ट है, कितने ऐसे टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है? एज ऑफ नाउ अभी जो है वो पीसीआर टेक्निक स्वॉब्स जो हम लेते हैं उसमें से स्वॉब लेने के बाद उसको सब्जेक्ट करके टू द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक से और वायरल लोड को बढ़ा के बाद में आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें पॉजिटिव है या नहीं। वो एक सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है विच इज बीइंग फॉलोड। अब नए एंटीबॉडी टेस्ट भी आए जो आईजीजी आईजीएम को आइडेंटिफाई करते हैं। IgG, IgM का प्रॉब्लम ये है कि इट कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स, नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट जहां होना चाहिए वो नेगेटिव भी दे देता है, तो आप फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रह जाते हो। तो वो जरूरी नहीं है कि वो दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड स्टिल रिमेन्स पीसीआर टेक्निक। उसके अलावा जैसे नॉर्मल फ्लू आपको 7 से 1.5 साल पहले अगर होता था तो क्या आप सब टेस्ट कराते थे? नहीं। तो ये वो फ्लू का ही वेरियंट है विच इज अ लिटिल मोर एग्रेसिव। तो ये एग्रेसिव नेचर की जो डिजीज है उसमें एज अ पेशेंट यदि आपको हो भी जाता है तो घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप फ्यू पैरामीटर्स इन योर माइंड, उसमें एक है कि आपकी ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग बराबर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप अंदर घर में वॉक कर रहे हो, हाँफ रहे हो, उस पर ध्यान देना है, फीवर का स्पाइक्स है उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है, एंड सी टू इट दैट आप अपने घर के मेंबर्स को भी वो स्प्रेड नहीं कर रहे। तो आपको द मोमेंट आपको लगता है सिम्टम्स है आप अपने आप को पहले तो रूम में आइसोलेट करो, सही है, खाना पीना अंदर रखो, एंड सेव योर फैमिली मेंबर्स देन योर सोसाइटी मेंबर्स। सर काफी ऐसी घटनाएं भी घटी है इस वक्त जो हमने देखी है कि पहली बार जब उनका टेस्ट किया गया किसी भी पेशेंट का जिनमें कुछ सिम्टम्स भी थे तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया और ठीक 2 दिनों के बाद वो नेगेटिव हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे, या तो टेस्ट बराबर नहीं हुआ या 2 दिन बाद में वाकई में उनका कोरोना चला गया तो उनसे विपरीत नेगेटिव पहले आता है बाद में पॉजिटिव आता है, वो भी बहुत सारे केसेस जैसा भी हुआ। हाँ, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसे फाइंड आउट कैसे, सच क्या है? नहीं, तो ये मैंने पहले ही बताया कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कितना है, वो कितना मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन सी जगह से आपने स्वाब लिया। तो यदि आप 14 दिन की हिस्ट्री होती है उसका पीरियड, तो वो पीरियड के ड्यूरिंग में अगर आपने पहले 5 या 6 दिन में अगर वो टेस्ट किया है तो चांसेस है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आए। तो जब तक वायरस को आपके अंदर 14 डेज में, फर्स्ट 14 से पहले पांच दिन में नेगेटिव आने, यूजुअली इसीलिए अभी जो नया नॉर्म जो हुआ है वो पहले 5 दिन हम लोग टेस्ट नहीं करते। वी वेट कि कोई सिम्टम आ रहा है, तो यदि अगर आपके बॉडी में वायरस है तो वो सिम्टम देगा ही 5वें 6वें दिन तक। छठे 7वें दिन तक अगर टोटली सिम्टम लेस है तो हम फिर भी टेस्ट नहीं करते, तो टेस्ट करने की जरूरत है फिर भी नहीं करते, बट अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, बोलते हैं घर पे थोड़ा संभालो। यदि कोई टेस्ट उसके बाद सिम्टम आना शुरू हुआ अगर आप वो टाइम में टेस्ट करोगे तो ट्रू पॉजिटिव आप पिकअप कर पाओगे। ट्रू पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव है और वो ट्रू रिजल्ट भी दे रहा है। पर अगर आपने पहले 5 दिन में लिया होता तो रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आता था, बट इट वुड हैव बीन फॉल्स।
क्योंकि वो आपका रिजल्ट वो पॉजिटिव आना चाहिए, उसकी जगह पर वो नेगेटिव आया, नेगेटिव तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और वो अचानक आप उसको बोलोगे आप तो क्राउड में घूम सकते हो, तो वो और घातक हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। तो उस वैसे ही द अदर वे अराउंड कि जो पहले पॉजिटिव आया और बाद में अचानक नेगेटिव हुआ, तो हो सकता है उसका जो पूरे वायरस की जो साइकिल है उसके वो फेर एंड पे, मतलब 14वें दिन या 12वें 13वें दिन पे या 11वें दिन पे आपने टेस्ट किया वो पॉजिटिव था, 14वें 15वें दिन पे उसका वो स्ट्रीक खत्म हुआ और आपने दूसरी बार टेस्ट किया वो नेगेटिव आ गया, तो ये वजह वो सब वायरल लोड के ऊपर डिटरमाइंड है। तो कभी कभी फेफड़ों के नीचे के एरिया में वायरस का थोड़ा लोड रह जाता है, वो पिकअप नहीं होता है because it is too away from your swabs, तो इसीलिए वो टेस्ट नेगेटिव आता है। पर वो एक बार आपको वायरस ने अगर अटैक किया है तो हमारा जो वायरोलॉजी का जो नॉलेज और स्टडी है वो बताता है कि वो आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर चुका है एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओके यू विल रिमेन पॉजिटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके उसमें अलग अलग है, तो वो जो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज है दे विल बी देयर पॉजिटिव इन योर बॉडी which will help in fighting. तो usually immediate relapse नहीं होता patient. तो fighting के लिए भी काम आता है. Yes. Doctor Jayesh, एक और बात पूछना चाहूँगा मैं आपको. जैसे कई बार बहुत ही confusion है symptoms के बारे में. शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस यहाँ पे इंडिया में हमने इसके बारे में जब सुना था तो काफी लोगों ने ये कहा था हमसे कि आपको खांसी आएगी, बुखार आएगा, इसका मतलब ये है कि आपको कोरोना वायरस लग गया, आप रिपोर्ट निकाले और चेक कीजिए। इसके अलावा कई बार ऐसा भी अब घटनाएं घट रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में कि कोई सिम्टम्स ही नहीं है और फिर भी रिपोर्ट निकालने पे उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। तो बेसिकली सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स है या नहीं, और अगर है तो बच्चों में अलग है और बड़ों में अलग है, ऐसा कुछ है तो उसके बजाय प्लीज सर बताइए। इसके जवाब मैं दो पार्ट में कहूंगा, ओके एक तो है जो सिम्टम्स है उनको, तो वो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। एज ए ईएनटी सर्जन मेरा बैड लक है कि डिजीज सब मेरे ऑर्गन्स को सबसे पहले हिट करता है, बाद में फेफड़ों को हिट करता है, या कभी कभी फेफड़े के साथ भी पेशेंट आ जाता है तो पहले तो आएगा सोर थ्रोट के साथ यूजुअली, फिर कभी कभी बहुत रफनेस रहेगा थ्रोट में, कांटों जैसा फीलिंग होता है, वॉइस बैठ जाता है, नाक में बहुत जगह सिम्टम होगा तो स्मेल आना बंद हो जाता है। पर ये मतलब नहीं है कि वो जो रूटीन सर्दी वाला पेशेंट को भी हम कोविड बना दें, क्योंकि फियर साइकोसिस इतना है कि पेशेंट डरा हुआ आता है हमारे क्लिनिक, घबरा जाता है, और हमारे पास भी ऐसा कोई मेथड नहीं कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कोविड है ये नॉन कोविड है, तो हमको उन दोनों को भी ट्रीट एज कोविड ही करना है, ओके हमको हमारा भी सेफ्टी रखे वही काम करना है। तो प्रेजेंटेशन में नाक के सिम्टम्स आएंगे, हेडेक भी कभी कभी आएगा, ओके गला एकदम खराब, बुखार विच विल कीप ऑन स्पाइकिंग, ओके खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बुखार कितना आता है इसमें जब भी आता है खाई जाता है काफी 103 रहता है और अच्छा खासा दो तीन दिन रहता है, बॉडी पेन रहेंगे जो वायरल प्रोग्राम का सबसे बड़ा चिन्ह है, वायरल फैमिली है तो वो तो देगा ही, इसमें क्या एंटीबायोटिक्स का रोल है नहीं, बट देन अभी हम एडिशनली इसके लिए देते हैं कि वी डोंट वांट सुपर एडेड इन्फेक्शन बिकॉज न्यूमोनाइटिस क्रिएट करता है। उसके अलावा देर आर रिपोर्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, यानी डायरिया वगैरह जो हम बोलते हैं उसके साथ में भी कुछ कुछ पेशेंट्स डायरिया भी होता है, यस सिचुएशन भी आता है, तो ये वैरायटी ऑफ सिम्टम्स है। एंड दूसरा पार्ट जहां पे पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं है उसके बारे में, तो वो अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर या वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आउट ऑफ 5 पेशेंट्स 4 पेशेंट को यूजली कोई सिम्टम नहीं रहता, ओके यस कोई सिम्टम नहीं, वो पेशेंट आपको कैसे पता लगेगा कि उन्हें कोरोना है, कोविड 19 है, पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा? अगर पता ही नहीं चलेगा तो वो तो आगे जाके फैलता भी जाएगा, तो उसे रोके कैसे? देखिए एक डेंजरस डिजीज है जिसका प्रिवेंशन का हथियार हर आदमी के पास है, खुद के पास है, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो सक्सेसफुल ही होगा, उसको बाहर तो जाना ही होगा काम के लिए भी, आप कितने दिन घर पर रहोगे? सही, तो आपको उसके साथ जीना सीखना ही पड़ेगा, बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रख के आपका रेगुलर लाइफ पे वापस से दोबारा सक्रिय होना ही पड़ेगा। तो ये चीज में आप ये नहीं कह सकते कि हम इरेडिकेट कर लेंगे, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं, हम यही है कोरोना भी यही है, साथ में रहना पड़ेगा, कोरोना तैयार है ह्यूमन रेस को वाइप आउट करने के लिए, ह्यूमन रेस तैयार है कोरोना को हम फाइट करने के लिए।
अब हम कैसे समझ में पाते, बिकॉज यूजुअली ये वायरसेस का कैसे रहता है, फर्स्ट जनरेशन वो डिवाइड हो रहे हैं, एक बार स्प्रेड हुआ, दूसरा जनरेशन स्प्रेड हुआ, तीसरा जनरेशन वायरस भी अपने बच्चे पैदा कर, सही है, वो चाहता है कि उनकी प्रोजेनी चले सच, पर जैसे जैसे वो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आता है उनका विरुलेंस या उनका जो आत्मघाती घाती जो प्रकोप है वो कम होते जाएगा, बाय द टाइम वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है जो इस केस में अराउंड 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो होते होते यू नेवर नो कितने साल लगे, कितने साल लग जाएंगे इसमें, मतलब काफी लंबा एक पीरियड भी जा सकता है इस वायरस से हमें छुटकारा पाने के लिए, और एंटीडोट कब बनती है इसका भी हमें कोई पता नहीं है, पर खुशी की बात है कि 4 out of 5 पेशेंट यानी 80% पेशेंट उनको कोई सिम्टम ही नहीं, सिम्टम्स ही नहीं बिल्कुल, और आके चला भी जाता है पता भी नहीं चलता, आपको गला दुख रहा है, सर्दी खांसी हुआ और आप ठीक हो गए तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप होके भी गए, होके भी गए, हाँ तो इसमें कितने कितने परसेंटेज ऐसा है चांसेस रहता है कि जैसे कोरोना का वायरस आपको लग गया, कोविड-19 लग गया, तो कितने परसेंट आपके बचने के चांसेस रहते हैं ये बताइए मुझे, तो काफी लोग ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं फैक्ट बताऊं, काफी सारे ऑडियंस भी इस दौर से गुजरी हुई है जिनको कोविड-19 हो चुका है, और जब उन्हें पता चला कि मुझे कोविड-19 हुआ है तो उनको तो एक ऐसे सदमे जैसी हालत होती थी, बस मैं तो गया, मैं तो मरने वाला हूँ बस ये, और उसमें काफी सारे केसेस में जो मैंने भी स्टडी की है जो देखे आसपास के लोगों में 80% लोग 90% लोग तो फिर जाके भी वापस घर पे भी आ चुके हैं और वो एकदम हेल्दी है, लेकिन डर इसका खौफ इतना फैला हुआ है लोगों में कि उस बारे में बताइए कि इसमें तो डरने की जरूरत है कि इसे बहुत आसानी से जैसे आपको बुखार हुआ आप समझते हैं मुझे बुखार हुआ, एक नॉर्मल डिजीज के तरीके से लेना चाहिए, इतना डरने की बात है इसमें, डर इसके लिए है क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग एक्टिव हो गए टू सी इतने सेंटर्स बना दिए, इतने कोविड सेंटर्स बनाए, बिकॉज वी नेवर नो कि हमको कितना बेड्स कब लगेगा, तो उसके लिए जो एक बार वो प्रेस करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को बटन और बेड्स तैयार करना पड़ता है, तो जब मोमेंट लोग देख रहे हैं तो ऐसे ही जहन में वो नेगेटिव बैकफुट पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें उनको लगता है कि ये डिजीज अगर आया तो मुझे मार ही देगा, मार ही देगा, पर ऐसी बात नहीं है, 80% पेशेंट्स को कुछ भी नहीं होता है, वही लास्ट के 16% पेशेंट्स उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं, 15-16% जो पेशेंट्स है दैट कम्स टू 96%, ओके, तो उनको माइल्ड सिम्टम्स होके वो ठीक हो जाते हैं, ठीक, बाकी के रहे 4% पेशेंट, उसमें कम से कम 1.5-2% पेशेंट थोड़ा ज्यादा डिजीज होता है उनको, इन्फेक्शन ज्यादा होता है, हाँ, तो उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, okay. वो पीरियड जब तक वो अंदर से वॉश आउट होके तो लंग्स क्लियर नहीं होते, माइल्ड थोड़ा क्लियर हुआ, स्पाइकिंग कम हुआ, ऑक्सीजन लेवल्स खुद मेंटेन करने लगे, फिर उनको डिस्चार्ज करें, नया स्टडी ये भी बता रहा है कि जो जो पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर जा रहे हैं उनके बचने की संभावना और घट जाती है, अच्छा वेंटिलेटर पे जाने के बाद में बचने की संभावना और भी कम हो जाती है, ये हमारी स्टडी है, ये स्टडी है क्योंकि आपका लंग्स के अंदर जो है वो निमोनिया नहीं है, निमोनाइटिस है, okay. और उसमें क्या हुआ है कि आपका जो एल्वियोलाई के बाहर का जो लेयर है वो पूरे का पूरा साइटोकाइन स्टॉर्म यानी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट जाके उधर पूरा का पूरा बिगाड़ देते हैं, okay. तो ऑक्सीजन ट्रांसफर इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा, अच्छा तो जब तक वो एरिया क्लियर नहीं होगा, अब उसमें या तो काम आएगा आपके ब्लड थिनर्स, okay. जो यूज हो रहा है एज अ प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके अलावा देयर हैव टू कम समथिंग जो पाइपलाइन में प्रोसेस में है, दीज आर मीडिएटर्स विच विल ब्लॉक द साइटोकाइन स्टॉर्म, ओके, और वो बहुत आगे तक बढ़ चुका है वो भी रिसर्च, बट अब के लिए नहीं, अब के लिए वो हर टाइप के जो जहाँ पे साइटोकाइन स्टॉर्म आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हर डिजीज में वो ड्रग काम आएगा, वो ड्रग नहीं बेसिकली वो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बेसिकली वो लिपिड सॉल्यूबल, उसको उन्होंने वाटर सॉल्यूबल बना के यूज करा और एनिमल्स पे हो चुका है, ओके, तो यदि वो हो जाता है तो कोविड जैसी जो भी और बीमारी आएगी आगे जो लंग्स को साइटोकाइन स्टॉर्म से बचाने में वो मदद करे, दैट विल बी रेवोल्यूशनरी, वो एक डिजीज स्पेसिफिक नहीं होगा, इट विल बी अ, और उसी बेसिस पे बहुत सारे इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एंटीबॉडीज उसी पे रिसर्च चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैक्सीन इज नॉट वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज आप वैक्सीन अगर मैं 100 लोगों को दूंगा और वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और उनको मैंने वैक्सीन दिया मैं बताऊंगा 100 लोग तो सब ठीक है, सब ठीक है, उनको तो वही नहीं डिजीज, सही है, वेदर वी नो दैट द वैक्सीन इज इफेक्टिव, इफेक्टिव और नॉट वी डोंट नो, तो इसके लिए वैक्सीन इज अ लॉन्ग टर्म, वैक्सीन चलेगी लंबे अरसे के लिए, बट आपको इमीडिएट सोल्यूशन आईसीयू स्टे को रिड्यूस करने के लिए ये सब दवाइयां विद हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट जो हमारी हेरिसन ने सुना है करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, इट हैज बीन, ये जो टैबलेट आपने मुझे बताई अभी ये टैबलेट
होने से पहले लेना चाहिए या होने के बाद ही लेना चाहिए? नहीं, प्रोटोकॉल ये है कि जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स है, पुलिस है, whoever is on the road, who are exposed to, the chances of exposure is very high, simple. तो जो बाहर घूम ही रहे हैं और काम करना ही है, नेशन को चलाना है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने, मतलब वो गवर्नमेंट मैंडेटेड आ गया है कि उनको तो लेना ही। काफी सारे लोग, ये जो टैबलेट इन्होंने बताई है डॉक्टर जयेश ने, वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी फिजिशियन को पूछे भी ले रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक है। और मैं यही अगला क्वेश्चन मेरे डॉक्टर जयेश से यही है कि अगर आप बिना किसी मेडिकल, बिना किसी डॉक्टर से, बिना पूछे अगर टैबलेट लेते हो तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? डॉक्टर जयेश, इस बारे में थोड़ी सी आप गाइडलाइन दीजिए। आपका मेडिकल, आपको मेडिकल क्वेश्चन मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ के ड्रग के बारे में इफेक्ट, साइड इफेक्ट पूरा प्रोफाइल स्टडी करके यदि आप उसमें नहीं आते तो आप ले सकते हो। कौन सी सिचुएशन ऐसी जिसमें टैबलेट नहीं ली जा सकती, बहुत रिस्की हो जाती है? देखिए क्या होता है कि अगर आप मुझे पूछोगे तो 1000 पेशेंट अगर मेरे पास आ रहे हैं तो हो सकता है कि 995 पेशेंट्स को कुछ नहीं होगा। अच्छा, बोली लेने में ओके, क्योंकि वो मलेरिया की ही दवाई है। रूमेटिक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दिया जाता है और वहाँ पे लोग रेगुलर लेते हैं वो गोली। यहाँ तो हम रिकमेंड कैसे कर रहे हैं, वीकली, पहले लोडिंग डोज और बाद में वीकली डोज, जब तक ये महामारी चल रही है। चल, तो उसमें साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत 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 नेग्लिजिबल। बट एज अ डॉक्टर मैं इस पे आपको ओपन परमिशन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, बिकॉज जब तक आपकी हिस्ट्री लेंगे नहीं डॉक्टर्स तब तक आपको नहीं, बिकॉज बहुत साइड इफेक्ट प्रोफाइल, कुछ कुछ CCF यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स, दे कैन हैव अ कोलैप्स। तो वो अगर आपकी हिस्ट्री बराबर नहीं है तो आपने लेना नहीं चाहिए। डायबिटीज हाई है तो उनको बहुत अचानक शुगर डाउन हो सकता है। बट दिस ऑल हैपेंस व्हेन यू आर टेकिंग द ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम। ये इसमें सेफ है, काफी सेफ है, बट फिर भी जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे अपने फिजिशियन को, नहीं लेना। ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी डॉक्टर जयेश ने दी है कि आप कोई भी टैबलेट, अगर आपको कोई भी आके ये कहता कि ये फला फला टैबलेट आप ले लीजिए और इससे कोरोना होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, तो बिना अपने फिजिशियन से, बिना किसी डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को बिना पूछे कोई भी टैबलेट्स आप मत लीजिए, वो आपकी जान के साथ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर जयेश, काफ़ी सारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जब कोरोना होता है, जैसे कि मुझे हो गया, मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, मैं इसका एक पेशेंट हूँ, मेरे तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से मुझे इससे लड़ना चाहिए? पहली बात है कि आपको निराश नहीं होना। ओके, आपके अगर कोरोना पॉजिटिव क्यों हुआ है, मतलब आपको सिम्टम्स था तभी टेस्ट किया गया है, या आप स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट थे, पॉजिटिव कॉन्टेक्ट ऑफ समबडी हू हैज गॉट इन्फेक्टेड, यदि वो हो तो आप क्वारंटाइन हो जाओ। सबसे पहले क्या करो, फैमिली मेंबर से सबसे पहले दूर हो और उनको बोलो कि मैं संपर्क में हूँ, फोन पे हूँ, और आप मेरे रूम में नहीं आओ यदि आपके पास वो फैसिलिटी है। सेल्फ क्वारंटीन का सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास अगर सेपरेट बाथरूम है, वेरी गुड, अच्छी बात। तो उसमें क्या होता है, फूड जो भी पैकेट अंदर ले रहे हो वो भी डिस्पोजेबल प्लेट, या फिर अपनी प्लेट पूरी धो के फिर बाहर बकेट रखो, पानी भरा हो उसी में वो डाल दो प्लेट, फिर वो बाहर वाला आपकी प्लेट आधे घंटे के बाद वो बकेट सहित लेके जाएगा। एंड यू कैन वॉश दैट प्लेट। सेल्फ क्वारंटीन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपकी कोई रिपोर्ट ऐसी पॉजिटिव आती है COVID-19 की, तो सबसे पहली महत्व की बात डॉक्टर जयेश ने कही है वो ये है कि आपको सेल्फ क्वारंटीन करना है, आपको फैमिली मेंबर्स के कंधे में जाके पटक पटक के कुछ नहीं करना, रोने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेबल करना है, बैठो फिर अपना स्ट्रेटेजी फॉलो, डिसाइड करो, हॉस्पिटल में जाओ, टेस्ट करके, या जो भी अगर BMC है, जिसको भी आपको इन्वॉल्व करना है उनको बुलाओ और बोलो कि मेरे पास ये फैसिलिटी है, मैं यहाँ रहना चाहूंगा, इट इज ऑल अलाउड अभी। ओके, और आपको बाद में अपना केयर लेना है, यू हैव टू कीप इन टच विद दिस हेल्थ अथॉरिटीज, उनको संपर्क में रखो, कुछ भी आपको सिम्टम्स लगा कि बिगड़ रहा है इमीडिएट उनको कॉन्टेक्ट करो। होम क्वारंटाइन जैसे रिकवरी, बेटर रिकवरी और कहीं नहीं हो सकती, सिंपली बिकॉज आप जब कोविड वार्ड में जाते हो तो आपके इर्द गिर्द वाले कितने वायरल लोड वाले पेशेंट्स हैं वो आपको मालूम नहीं पता है, तो आप कितना लंबा वहां पे और इन्फेक्ट हो सकते हो, या किसी और का बड़ा लोड है वो भी आपको लग सकता है, वो भी एक खतरा है, तो वहां पे वो चीज से आप अगर घर पे क्वारंटाइन फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल है, और 95% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे ही ठीक होने वाले, वो अपने आपको मुझे मालूम से इम्यून सिस्टम से खुद ही होने वाले। वायरस में हमारा रोल खाली ऑब्जर्वेशन, सप्लीमेंट्स एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एक क्वेश्चन डॉक्टर जयेश ये भी आता है, जैसे पिछले काफी दिनों में काफी लोग जो कोरोना वायरस के
जो पॉजिटिव आई इनकी रिपोर्ट, उनको एडमिट करना पड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना है या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना है, और एडमिट होने के बाद में वहाँ पे ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज दीजिए। जैसा मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने में काफी लोग डरते हैं, घबराते हैं, और उसमें ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है कि जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की बजाय प्राइवेट में जाना चाहते हैं? ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट प्राइवेट में मिलता है कि दोनों जगह ट्रीटमेंट सेम ही है, सिर्फ आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है? आप इस दोनों पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सर्टन लेवल ऑफ केयर मिलना तय है। म्युनिसिपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफी सेंटर्स सडनली स्प्रिंग अप हुए, तो दे विल नॉट नेवर बी एबल टू मैच दोज केयर लेवल्स स्टैंडर्ड्स। आने का डिफरेंस है खाली, और लेवल में आने में टाइम लगेगा। ट्रीटमेंट एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं, तो सिम्टोमेटिक है, तो वहां यहां करो या वहां करो कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली फाइव स्टार हॉस्पिटल या होटल समझो, जो भी व्हाटएवर यू से, तो वहां पे आपको आएगा, जो आप बेल बजाओगे तो पर्सन आएगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात, थोड़ा सेटिस्फेक्शन, थोड़ा आप अपने आपको ज्यादा सिक्योर फील करोगे। ओके, देन यू कैन स्पेंड, यू कैन स्पेंड। ओके, बट ट्रीटमेंट में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है, ट्रीटमेंट दोनों जगह एक ही तरीके से होता है, और इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई चांद तारे से कोई आता नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर तो वही है जो वही है, वही पे है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। मैं एक और सवाल पूछा, बिल्कुल, पर उसमें जब आईसीयू का केयर आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल स्टैंड गवर्नमेंट और म्युनिसिपल हॉस्पिटल में वर्कलोड इतना ज्यादा आ जाता है कि जो कैपेसिटी उसके 100% के ऊपर ही चल रहा है, उनका बियॉन्ड कैपेसिटी, बियॉन्ड कैपेसिटी है, तो ह्यूमन वर्कफोर्स है वो थकना ही है डेफिनेटली, और थकेगा तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाहर के लोगों को लगता है ये कुछ नहीं कर रहा है, पर कितना कुछ चल रहा है वो उनको नहीं मालूम ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर, ये एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आप भी कोविड सेक्शन को देख रहे हैं, आप भी तो इसमें कोविड सेक्शन में देख नहीं रहा हूँ मैं उसका, एक जब बन रहा था मेरे जो जहाँ पे मैं ये हॉस्पिटल में हूँ, तो उसके जब वो इमीडिएट जब शुरू हुआ प्रोसेस, बीएमसी ने बोला हमको कि हमको ये पूरी हॉस्पिटल कन्वर्ट करनी है, तो उसमें मैंने काफी इंटरेस्ट लिया ड्यूरिंग दैट फेज। ओके, और उसका जो प्रोटोकॉल है वो मुझे तो प्रोटोकॉल में इंटरेस्ट था। ओके, बाकी बीएमसी डायरेक्ट हायर कर रही है डॉक्टर्स को। अच्छा, जूनियर डॉक्टर्स है जो न्यूली पास आउट है, दे आर पुटिंग अप एडवर्टाइजमेंट्स, उनको प्रॉपरली बकायदा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन करके उनको ले रही है। हेल्थ केयर सिस्टम में जो वर्कर्स है, नर्सेज है, वो भी उन्होंने अपने स्टाफ में से रोटेट किया, तो वो सब चीजों में कोविड का जो है पूरा थियरी कि आपको कोविड सेंटर्स, यानी जहां पे आपको खाली ऑब्जर्वेशन ओपीडीज है, सेंटर्स है, और आईसीयू पूरा सेटअप्स अलग अलग डिवाइड अलग, तो जो वर्स्ट केसेस होते हैं उनको फिर टर्शियरी हॉस्पिटल के विद आईसीयू सेटअप में भेजा जाता है। पर इसमें कितनी हाई रिस्क रहती है एक डॉक्टर्स और एक नर्स की जिंदगी के लिए, खुद की जिंदगी के लिए कितनी हाई रिस्क रहती है? आप रात दिन इस काम में लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स इंडिया के, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स इस काम में लगे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी बात है ये, इन्हें हम कोरोना फाइटर्स कह सकते हैं, कोरोना फाइटर्स ही कहना चाहिए, बिकॉज अपनी जान को जोखिम में डाल के ये जो काम कर रहे हैं देशवासियों के लिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी मिसाल है। तो इसमें कितनी रिस्क लेती है, और इस रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जब ऐसे पेशेंट को आप देखने जाते हैं? प्रोफेशनली स्पीकिंग अगर मैं आंसर करूंगा तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। Okay. This is what I'm supposed to do, and I'm doing. I will not try to glorify myself by saying anything. मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा काम है पेशेंट को बचाना। अब उसकी राह में कभी कभी हम लोग एक्सपोज होते हैं, तो हम हमारा जितना केयर ले सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारा स्टाफ का जो केयर लेना है वो प्रोटोकॉल्स हम ट्राई करते हैं सब मेंटेन करना, फिर भी अगर होना है तो होगा, तो उसके लिए मैं डर के नहीं बैठ सकता। Okay. I have to go out and fight. सोल्जर है, जंग पे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, आप तक अंदर घर पे बैठोगे। सोल्जर घर पे थोड़ी बैठने के लिए सोल्जर बनता। बहुत बड़ी बात की डॉक्टर जयेश ने। मैं आपको एक और बता दूं, हमारे कॉमन मित्र है जिनको बीच, वो भी ईएनटी सर्जन ही है, उनको भी बीच में कोरोना वायरस हुआ था। यही लोगों की मदद करते करते, लोगों की ध्यान रखते रखते उसी सेक्शन में वो काम करते थे, वो खुद पॉजिटिव हो गए थे, आज वो खतरे से बहुत बाहर है। लेकिन मैं हकीकत में आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो इस वक्त देश के लिए काम कर रहे हो, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। डॉक्टर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दिनों कोरोना के अलावा भी, कोविड 19 के अलावा भी कुछ दूसरी बीमारियां हैं, आपको ब्लड टेस्ट करना है या किसी और काम से भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वैसे माहौल में हॉस्पिटल में जाना कितना सेफ है? हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव ना हो, क्योंकि हर हॉस्पिटल में उनका एक डिवीजन तो यही है कोविड 19 के लिए,
और मैं किसी दूसरे काम से वहां पे जा रहा हूँ तो मुझे वो तकलीफ ना हो, वायरस ना लगे, हॉस्पिटल्स इसके क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये कोरोना के लिए सेक्शन बना है तो उनका एज पर द प्रोटोकॉल एंट्री और एग्जिट टोटली सेपरेट रहता है, तो वहां पे रेगुलर पर्सन अंदर जा नहीं सकता। बिकॉज वो जोन में एक बार आप जा रहे हो तो आप अपने आप को पूरा रिस्क पे एक्सपोज कर रहे हो। और इसका ये मतलब नहीं कि बाकी का हॉस्पिटल वो कोरोना फ्री है, वो कोरोना फ्री नहीं है, सब जगह चांसेस है। तो पूरी हॉस्पिटल को हम एवरी पेशेंट हुज कमिंग टू माई क्लिनिक हमको ये सोच के चलना है कि वो कोरोना लेके ही आया है। और मेरे दिमाग में जब वही रहेगा तो मेरा दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि मुझे इसमें केयर लेना है या उसमें केयर लेना है, मुझे केयर सब में लेना है। तो वो एक बार रूल सेट हो गया तो जितना घातक हम लोगों के लिए उतना ही घातक पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए भी है। तो हो सके बहुत ज्यादा रिलेटिव्स पेशेंट के साथ नहीं आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मास्क बिना वजह उतारना ही नहीं। तीसरी बात, आप कहीं पे भी ट्रेवल करो, इधर उधर स्टेयर केस पे या कहीं पे भी हाथ घुमा रहे हो वो अवॉइड करो। जहां क्लिनिक में पहुंचे या जब चेंबर में पहुंचे ट्राई करो, अगर सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर लेके हाथ साफ कर लो, जाते ही पहले सैनिटाइज कर लो। अगर हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मिला तो स्टिल डोंट टच योर फेस, ये आईज, बिकॉज आपको मालूम नहीं आपने क्या कैरी किया है हाथ से। तो वो जितना भी अर्ज है खुजली का या जो भी है उसको आपको रोकना ही है टिल यू डोंट क्लीन योर हैंड्स। अब बाहर एक दो ये क्लिनिक में अंदर गए, आप टेबल पे बैठे डॉक्टर के टेबल पे, हाथ रखने की आदत छोड़ दो। मिनिमम कॉन्टेक्ट ऑन द चेयर, मिनिमम कॉन्टेक्ट ऑन द टेबल, बिकॉज आपको मालूम नहीं कि डॉक्टर के टेबल पे क्या है, किसने हाथ रखा हुआ है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को अपनी तौर से अपनी सेफ्टी खुद ढूंढनी, ये एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर जयेश ने कही कि सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो आपकी खुद की है। डॉक्टर तो सेकंड चॉइस पे आएंगे लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है, आपको खुद को अपना ध्यान रखना है। आप घर से बाहर जब भी कहीं निकलते हो तो बिना मास्क के नहीं निकलना है, हाथ में ग्लव्स पहन के जाइए, सैनिटाइजर का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, ग्लव्स पे मैं एक बार कहना चाहूंगा, ग्लव्स इज ओवरकिल। ग्लव्स इज नॉट अ स्टैंडर्ड, कोई जरूरी नहीं, नहीं। आप ग्लव्स पहन के क्या रस्ते में खाना वाले तो होने, क्योंकि खाने के कोई रेकड़ी या स्टॉल या होटल कोई खुला नहीं, और वो होते होते अब पता नहीं कितना महीने और चले जाएंगे। तो आप ग्लव्स पहन के खाने वाले तो होने, आपको खाली इतना ध्यान रखना कि वो हाथ आप मुंह पे नहीं लगाओ। मुंह पे तब तक नहीं लगाओगे जब आपके मास्क पहना हुआ है, तो मास्क वो आपको रिमाइंड करता है कि मुझे हाथ साफ करना है। तो जब तक आप हाथ साफ नहीं करोगे ये हाथ ऊपर आएगा। आपने आधा उधर ही लोड कम कर दिया, ग्लव्स अगर हो तो हाथ में पसीना भी होता है, और ग्लव्स आपने जिधर जिधर टच किया तो क्या आप हर आधे घंटे पे ग्लव्स फेंकने वाले हो, नहीं फेंक सकते। तो वो ग्लव्स आपको या प्रैक्टिकल नहीं है ग्लव्स, मतलब अगर मुझे पूछा जाए मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ तब तक वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। अगर मैं पेशेंट देख रहा हूँ जिसमें मेरे को थ्रोट देखना है और मेरा चांस है कि कहीं मेरा टच होने का है और कोई बॉडी फ्लूइड्स टच होने वाला है तो मुझे ग्लव्स पहनना है। किसी आम व्यक्ति को इसके पहनने की कोई जरूरत इतनी जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि आपका मास्क इज योर सेवियर, द बिगेस्ट सेवियर। अब मास्क में आप N95 ले लो तो उसमें क्या होता है, 3-ply होता है। तो यदि उसका आप टेस्ट करो, अगर आप फूंक दो और बाहर कैंडल बर्निंग है, हवा बाहर नहीं जाएगी। सो ना वो हवा, जब इनके फोर्स वाली हवा अगर बाहर नहीं जा रही तो ना अंदर आएगी। अंदर भी फिल्टर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो इतने माइक्रॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक की वजह से 99.9% वो अंदर आने नहीं देता। अब वो का वही काम, आपका हाथ रुमाल, बड़ा हाथ रुमाल ले लो, कोई 4-ply में बैंड कर लो। कम से कम 3-4 रुमाल आप रखो एवरी डे। अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग हाथ रुमाल यूज करो, उसको यूज करके थैली में डाल दो, घर पे जाओ पूरा साबुन के पानी में डाल के रेडी वॉश कर दो। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज सेफ्टी आपको आपको ढूंढना है। हर जगह आपको मास्क मिलने वाला है, जो गरीब आदमी है वो कहां से मास्क लाएगा, वो दिन का ही 200 रुपया कमाता है और 200 रुपया वो एक मास्क में डालेगा। 95 मास्क करीब करीब 200-250 रुपए का मास्क आता है, एक मास्क आता है, बढ़ गया रेट, बढ़ गया है। जिसके ओरिजिनल प्राइस एक टाइम में हमको 20 रुपए मिले, अच्छा उसका कोई तोड़ ही नहीं। ओके आज गवर्नमेंट ने तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि जितने किट्स मास्क शुड बी फ्री। ये मेरा मतलब एक सजेशन है आपका कि होना हैव टू बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। यदि आपको सेम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट द सेम प्राइस आपको चाहिए तो ये फ्री होना चाहिए। पर वो होने के बजाय 900 रुपए में एक किट आ रहा है,
अगर मैं एक पेशेंट से अगर 900 रुपया खाली किट का जो बेसिक प्राइस भी चार्ज करूं, तो मैं पेशेंट से ओपीडी का कंसल्टिंग कितना चार्ज करूं? सही बात है, आप क्या चार्ज देंगे? और अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, अब मैं एक ही किट में, अगर एक ही किट में मैं पूरा ओपीडी देख रहा हूं, तो वो पहले पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट पे ना इंसाफी, तीसरे पेशेंट पे और ज्यादा ना इंसाफी है, और इंफेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। तो ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, पेशेंट के लिए और रिस्क हो जाती है। यस, तो ये एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर जयेश ने कही है, और गवर्नमेंट इस बारे में थोड़ा सा विचार करे, थोड़ा इस बारे में सोचे, क्योंकि आखिर में डॉक्टर की सेफ्टी भी जरूरी है और साथ ही साथ सारे तमाम देशवासियों की भी सेफ्टी बहुत बहुत जरूरी है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर जयेश साहब से, कि जैसे अभी 17 तारीख के बाद शायद लॉकडाउन खुल जाए, शायद नहीं पता खुले ना खुले, क्योंकि हर 10 दिन बाद में स्ट्रेटेजी चेंज होती जा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्ट्रेटेजी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्ट्रेटेजी चल रही है, हमें भी नहीं पता कि कब लॉकडाउन खुलने वाला है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो अगर 17 को ये खुल जाता है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, तो सबसे पहली जो दिक्कत आने वाली वो ये है कि जैसे मैं भी एक बिजनेस मैन हूँ, काफ़ी मेरे दोस्त यार और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर जयेश ये आता है कि अपनी जिंदगी को कैसे आप सामान्य करेंगे, कैसे आप रोज यहाँ से ट्रेन में, बसों में, टैक्सियों में फिर से काम पे जाएंगे तो क्या सेफ्टी, और ऑफिस में जाने के बाद में भी आपकी वहाँ पे कितनी सेफ्टी, और किन चीज़ों का आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए? इस बारे में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस क्लियर कट आने वाले हैं। अच्छा, अभी तो इस बारे में कोई अपडेट है, मतलब आ रहे फीलर्स आ रहे सब, ओके, तो उसमें एक दुकान में दो लोग उसमें मालिक होना चाहिए, उसके अलावा एक वर्कर, अंदर भीड़ नहीं भरनी चाहिए, स्टैंड अलोन शॉप्स है, उसके अलावा अलग अलग दिन निर्धारित किए गए अलग अलग सर्विसेज के लिए, ताकि जिस दिन जो चीज के चाहिए तो उतने ही दुकानें खुले, तो वो ऐसे भी वो दुकानें एक के बाजू बाजू में नहीं होती, तो अपने आप वो डिस्टेंस वो भी मेंटेन हो जाता है, पर उसका प्रॉब्लम एक ही है कि एक ही आइटम के पीछे उस दिन इतनी भीड़ लगेगी वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मेरी मुझे अगर पूछा जाए तो आप पूरा कंट्री को ईज आउट करके खोल दो, एंड सेल्फ कंट्रोल लाना ही सबसे लास्ट सोल्यूशन, और कोई रास्ता ही नहीं, रास्ता ही नहीं। आपने जितना सिखाना था हमको, हमको 2 महीना देके बहुत सफाई, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, जो 6 साल में हमको नहीं सिखा पाए, वो 2 महीनों में उन्होंने हमको सिखा दिया, कुदरत ने भी सिखा दिया, कुदरत ने भी सिखा दिया। तो एक बहुत बड़ी बात कही आपने, तो स्वच्छ अभियान जो था भारत का वो अब सफल होते दिख रहा है मुझे, और ज्यादा स्वच्छ हो ही जाएगा। हाँ। अच्छा, एक खास बात, सारे सवाल जो मैंने पूछे आपसे, काफी लोग जो जानते थे उनको एक्साइटमेंट थी कि इन सवालों का जवाब मैं आपसे पूछूं, और काफी हद तक मैं सारे सवाल आपको पूछ चुका हूँ। तो दुकानों में जो बात कर रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका काउंटर जो है, जो भी दुकानों का काउंटर है वो साफ रेगुलर होते रहना चाहिए, हर आधे घंटे एक घंटे साबुन का पानी हो तो भी चलेगा। ओके, सैनिटाइजर हाथ के लिए, पर सैनिटाइजर बिगाड़ता भी स्किन को, वो इमीडिएट स्टॉप, वन स्टॉप शॉप है, फट करके काम हो जाता है सैनिटाइजर लगाए तो काफी इमीडिएट इफेक्ट देता है। सोप वाटर में अगर आपके पास फैसिलिटी है तो हाथ धो के क्लीन करो, तो नॉन स्टिकी हो जाता है हाथ और काफी क्लीन महसूस होता है। दूसरी बात कि आपके अंदर एंटर करने वाला पर्सन को भी मास्क कंपलसरी ही होना चाहिए, नहीं तो दुकान में एंट्री दो ही मत, जितने भी लोग अंदर बैठे उनको मास्क कंपलसरी, मास्क ऊपर होना चाहिए ना इधर लटका हुआ। okay. मैं तो आपका इंटरव्यू दे रहा हूं इसलिए नीचे गया, पर okay. उसका मास्क नाक के ऊपर नहीं है वो दुकान में से उसको आपको बाहर निकालना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए, तो वो क्या लेके आ रहा है वो आपको मालूम नहीं पता, हकीकत बात है। तो आपका मास्क भी ऊपर होना चाहिए, उसका भी मास्क ऊपर होना चाहिए, पर ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है गोल्ड वालों के लिए कि कौन आके क्या करके गया वो पता नहीं चलेगा। तो या एक ऑप्शन मेरे दिमाग में आया, मतलब मैं तो डॉक्टर हूं बट अभी मेरे फ्रेंड्स है जैसे बहुत सारे, तो उनके गोल्ड के बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस है, तो मेरा एक सजेशन है कि जहां आपका मेन कैमरा है उसके सामने वो बंदे को जो भी अंदर आ रहा है उसको बोलो मास्क नीचे कर, और कैमरा को कम से कम 10 सेकंड के लिए तू देख, बाद में मास्क ऊपर लगा, तो एंट्री हो जाता है कि भाई ये आदमी अंदर आया था मेरी दुकान। So this is what, चेहरा भी आना चाहिए, चेहरा आना चाहिए, बिकॉज ये नहीं तो मास्क के पीछे क्या काम हो जाएंगे पता नहीं चलता, पता नहीं चलेगा। सही है। दूसरी बात कि जहां पे भी वो काउंटर पे हाथ रखे उसको बोलो आपको जरूरत है तो आप हाथ रखो, नहीं तो आप ऑलरेडी ही रखें बेटर, ये आपको ये अभी नॉर्म आना ही है, जरूरत है तो हाथ बाहर खोलो, अदरवाइज खोलो मत, मास्क कंपलसरी, आप बात करो जो भी करना है, और एक दूसरे को मोबाइल या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अवॉइड ट्रांसफर ऑफ थिंग्स अनलेस नेसेसरी। कोई खास सलाह आप देश के तमाम
लोगों को, व्यापारी वर्ग को या जो जॉब करते हैं उनके तमाम नागरिकों के लिए, और कोई खास सलाह गवर्नमेंट के लिए? देखिए, आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप खुद एक डॉक्टर है, सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपको कहाँ कमी लग रही है इस वक्त? सरकार की तरफ से कोई कमी लग रही है आपको, उस बारे में भी थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए, ताकि ये वीडियो देखें और कुछ सुधार रहा है इसमें। हम लोग अदृश्य एक एनिमी के साथ लड़ रहे हैं, ना 2 महीने पहले किसी को मालूम था कि हमको क्या करना है। हर रूल चेंज होते आया है और वो चेंज होगा फॉर द बेटर। तो हमको तो इतना देखना है कि हमारा मेजर पॉपुलेशन इस बीमारी के थ्रू पार हो गए, सेफ निकल जाए। अगर हमने 2020 निकाल लिया तो हमारे पास बहुत साल है कमाने के लिए। तो वो हमको देखना है कि ये 2020 का साल निर्विघ्न निकल जाए। उसमें आपको ये जो प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको फॉलो ही करना है। जहां जरूरत नहीं है आप बाहर मत जाइए, और जहां जा रहे हो उधर देखो कि अगर भीड़ है तो दूर रहो, वो चीज वो जगह में आप जाओ मत। वो आपको सेल्फ रिस्ट्रेन लाना पड़ेगा। रहा बात ट्रैवलिंग का, तो ट्रेन का जो ट्रैवलिंग का गाइडलाइंस है वो भी आना है। भीड़ तो भरेगी, तो सी टू इट दैट आप किसी के डायरेक्ट फेस के एक्सपोजर में ना रहो। अब ट्रेन ट्रेवल इन मुंबई इज इनएविटेबल, यानी अनिवार्य है, आपको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। मेजर क्राउड उसी में ट्रेवल करना है, तो उसमें भी आपको भी या तो ट्रेन, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस हुए तो ट्रेन में भी लोड कम हुआ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। या तो टाइम स्पेस देना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज को आप अर्ली मॉर्निंग बुलाओ, कुछ एम्प्लॉयज को थोड़ा दोपहर को, इस तरह से डिवाइड, अलग अलग शिफ्ट में भी काम थोड़ा सा शिफ्ट करो, ताकि वो 2 घंटा जो पहले आया 3 घंटे पहले, वो 3 घंटे पहले निकल जाए। तो आपके पास भी उनको डिवाइड करके बुलाओगे तो ये रश नहीं हो, गर्दी कहीं ना बढ़े, ट्रेन उनको आने में भी सुविधा रहेगी। और यही अगर सब लोग एम्प्लॉय करेंगे तो जो सुबह का जो रश है एक पीक आवर्स का, वो पीक लंबा चला जाएगा और यू कैन डिवाइड द क्राउड। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंडली सफाई, आजू बाजू में थोड़ा सतर्क रहना है, कोई सर्दी खांसी वाला या कोई खांस रहे उसके लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट में ना, लाइन में नहीं आना बस। बाकी तो फिर अभी कुदरत की बात है, कुदरत में हम रहे तो हमको फाइट ही करना है। ओके, तमाम ऑडियंस डॉक्टर जयेश ये भी जानना चाहती है, जो थोड़ी धीमी धीमी आवाज में मुझसे पूछा करते हैं, ओपनली तो बोलते नहीं बेचारे, लेकिन जानना चाहते हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि उनकी आवाज में आप तक पहुंचाऊं और आपसे उस बारे में खास विशेष टिप्पणी लूं मैं और इन सभी को गाइडेंस कर सकूं। काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं इस लॉकडाउन के दरमियान भी स्मोकिंग लोग ज्यादा कर रहे हैं, पहले अगर कोई कम कर रहा था तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो स्मोकिंग की बहुत बढ़ चुकी है, ड्रिंक्स अल्कोहल कंजम्पशन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, हालांकि अवेलेबल नहीं है, कहीं मिलता नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग काफी चल रही है उसकी। तो काफी लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि अल्कोहल पीने से कोरोना पे उल्टा कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, तो किस बात में कितनी सच्चाई है? ये सब मिसकंसेप्शन है, आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सिगरेट एज अ ईएनटी सर्जन, वो मेरे पूरे एरिया जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए वो सबसे घातक है। तो कोई ईएनटी सर्जन आपको ये नहीं बोलते मिलेगा कि आप सिगरेट पियो, तो कोरोना हो या नॉन कोरोना, इस दरमियान पीना कितना घातक है, ऐसी ऐसी धारणाएं लेके लोग चलते कि सिगरेट का धुआं मेरे वायरस को मार देगा। गलत है, क्योंकि वो दूसरे साइड इफेक्ट्स आपके लंग्स को ऑलरेडी वीक कर रहा है। okay. आपको तो ये पीरियड में आपके लंग्स क्लियर चाहिए टू फाइट एनी इन्फेक्शन अगर आया तो। okay. सिगरेट तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है, पीना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम तय है। उसमें धारणा अल्कोहल के ऊपर में कि अल्कोहल पीने से भी वायरस मरता है, ऐसा कुछ नहीं, अल्कोहल आपके फूड पाइप में जा रहा है, नॉट एयरवे। ओके, आप कितनी क्वांटिटी पी रहे हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप अंदर क्या ले रहे हो, पॉइजन ले रहे हो या आपको आपके, अब एक नॉर्म बन चुका है, वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑलरेडी पी रहा है, वो तो आज भी पी रहा है। ओके, उनके तो कोई शॉप शट भी नहीं। ओके, अब इंडिया में हमारे यहाँ पे एक नया कल्चर हुआ है और वो लोग पी रहे हैं, पर एक क्वांटिटी आपको तय करना है खुद के, एंड यू हैव टू बी विद इन सेफ लिमिट्स, और सेफ लिमिट्स का कोई फायदा नहीं है कहने का मतलब, नहीं फायदा तो नहीं है, ये है कि आप अभी ऑलरेडी घर में अकेले हो तो आप ऑलरेडी बोर्ड टू डेथ हो। ओके, उसमें कभी अल्कोहल अगर थोड़ा क्वांटिटी अगर कोई लेता है तो उसको नींद छोटी क्वांटिटी में, अभी भी वापस से दूर दौड़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपने पूरा आधी बोतल खत्म कर दी, वो नहीं, दैट विल बी ओनली एंजियोलाइटिक। ओके, क्योंकि अल्कोहल के अलग अलग फेज है डिपेंडिंग ऑन द मिलीग्राम इन योर बॉडी, तो वो एंजियोलाइटिक एक्शन और आपको एक थोड़ी सी सिडेटिव इफेक्ट डेफिनेटली प्रदान करता है। Okay. तो जो ले रहे हैं उनको क्वांटिटी भी रिड्यूस करना और बहुत सतर्कता के साथ क्या चीज ले रहे हैं उस पर ध्यान देना,
कालाबाजारी वाली चीज जरूरी नहीं है कि सब सेफ हो, बहुत कुछ बिकता है और बहुत कुछ आपके सिस्टम में जाके आप कोरोना से नहीं पर दारू की पॉइजनिंग से मर सकते हो। ओके, तो आपको वो ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयेश आपका इस बारे में खास जानकारी देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। जैसा कि आज डॉक्टर जयेश ने हमारे बीच आके काफी कुछ हमें कोरोना COVID-19 के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है, आपके सारे प्रश्नों को मैंने उनसे पूछे हैं और काफी डिटेल्स में डॉक्टर जयेश ने उनपे जानकारी की है। खास खास तो उन्होंने कहा, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, आप खुद ही अपने रक्षक बन के रहेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, कोई भी मेडिसिन बिना आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ना ले, ये दूसरे महत्व की बात है। और तीसरी महत्व की बात जो डॉक्टर जयेश ने आज बताई है, जो काफी कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के बीच में कि स्मोक करने से धुएं से वायरस मर जाता है, अल्कोहल पीने से वायरस मर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपकी जिंदगी खतरे में पड़े और आपकी वजह से आपके परिवारजन और आसपास के दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़े। एक जो सैनिक होता है वो लड़ाई के मैदान में या देश के बॉर्डर पर रह के हमारे देशवासियों के लिए लड़ता है, अपनी जान की बाजी लगाता है, और एक डॉक्टर आज देश के भीतर कोरोना से लड़के देशवासियों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के देशवासियों की जान बचाने का बहुत ही महत्व का काम कर रहा है। देश के तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को मेरा सलाम, उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अंत में इतना ही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद सिर्फ इतना ही था कि कोरोना के बारे में जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।